स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, हमको मिडिल टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए मिडिल टर्म अगर हम इसमें फाइंड आउट करेंगे तो देखिए जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो उसका जो मिडिल टर्म होता है वो आपका n प्लस वन पे डिपेंड करता है। अगर n प्लस वन आपका इवन है तो आपके जो मिडिल टर्म होते हैं वो कितने होते हैं, वो दो होते हैं। और अगर n प्लस वन अगर आपका ऑड है तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ओनली वन मिडिल टर्म होगा, वन मिडिल टर्म होगा यहां पर। अब यहां पर क्या है 10 प्लस वन, तो ये कैसी, तो ये कैसा नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो क्या होगा, ओनली वन मिडिल टर्म एग्जिस्ट। चलिए अब उसको निकाल लेते हैं। वो बेसिकली होगा क्या, जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो वो आपका होता है मिडिल टर्म n बाई टू प्लस वन टर्म होता है। ठीक है, अब यहां पर पावर 10 है तो पावर 10 है तो द मिडिल टर्म विल बी, आप पूरा लिख लीजिएगा मिडिल टर्म p 10 बाई टू प्लस वन टर्म, तो ये आपका t और ये आपका 5 प्लस वन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। t 6 आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। अब देखिए t 6 को निकालेंगे कैसे, देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं t r प्लस वन अगर एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n का होता है तो उसमें जो आपका जनरल टर्म होता है वो आपका होता है n c r और a टू द पावर n माइनस r और b टू द पावर r, ये हमारा एक्सपेंशन होता है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर बात करेंगे तो ये आपका t 5 प्लस वन और ये कितना है, ये आपका हो जाएगा 10 सी 5, 10 सी 5 a की जगह पर होगा x अपॉन 3 की पावर कितना 10 माइनस 5 और 9 y टू द पावर कितना होगा 5 होगा। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा भाई t 6 हो गया और ये आपका 10 सी 5 और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, तो ये आपका x की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। ठीक है, तो 3 की पावर 5 हो गया ये इनटू, और ये कितना हो गया, ये आपका 9 है, ये आपका 9 की पावर 5 इनटू y की पावर 5। ओके, ये आपका t6 इज इक्वल टू 10 सी 5 इनटू x टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5 इंटू, देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर की पावर 5 इंटू y की पावर 5। ओके, आप स्टेप्स में चाहें तो आप ये सब शॉर्ट में कर सकते हैं, आप अगर लिखना चाहें तो आप अगली ही लाइन में इसको 3 टू द पावर आप 10 कर सकते हैं, बट लेकिन अगर स्टूडेंट्स को अगर नहीं समझ में आता है, सारे स्टूडेंट्स को अगर ये स्टेप नहीं समझ में आता है तो फिर क्या होता है कि वो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए कभी कभी जरूरत के अकॉर्डिंग हमें वीडियो लंबा करना पड़ता है। तो ये आपका t6 इज इक्वल टू 10 सी 5 इंटू और ये x टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 10 इंटू y टू द पावर 5। ओके, तो 3 टू द पावर से 5 से इसको डिवाइड करेंगे, आपका 3 टू द पावर 5 हो जाएगा यहां पर। अब इतना पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये आपका हो जाएगा t6 और 10 c5 को मैं लिख सकता हूं 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल की जगह 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 कितना हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर 5 y टू द पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 5 आपका 243 हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 आपका 81 होता है, 81 में फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 243 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, t6 है आपका, इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल,
अपॉन 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 120, ओके, इंटू 243 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर 5, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, और देखिए इसको थ्री की टेबल से अगर डिवाइड करेंगे आपका थ्री टाइम्स जाएगा और ये आपका फोर टाइम्स जाएगा। अब इसको फोर से डिवाइड करेंगे आपका कितने टाइम्स जाएगा, टू टाइम्स जाएगा, ओके। अब ये हमारा फर्दर आगे नहीं कट पा रहा है, तो एक स्टेप हमें और आगे जाना पड़ेगा। ये आपका टी सिक्स इज इक्वल टू 3 × 2 × 7, और बच्चों 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल आपका 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। इसको पूरे का प्रोडक्ट अगर आप निकालेंगे तो ये आपका 720 आता है, अपॉन कितना हो गया 120 इंटू 243 एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5। इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आपका कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, तो टी सिक्स इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 6 × 6 कितना हो जाएगा, ये आपका 36 × 7 × 243 एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5। ये आप कैलकुलेशन करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टी सिक्स की जो वैल्यू है, जो आपका मिडिल टर्म है, वो आपका हो जाएगा 61236 एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5। बस ये आपका फाइनल आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए।